प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। हमने प्रोजेक्टाइल कैसे सीखा? हमने प्रोजेक्टाइल सीखा टॉप ऑफ द टावर से फेंका, हमने प्रोजेक्टाइल सीखा ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आ गया। दो, ये कह रहा है कि मुझे प्रोजेक्टाइल कैसे फेंकना है, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? बीटा। बीटा मैंने प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका सच दैट ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया थीटा, तो इंक्लाइन के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा माइनस बीटा। तो प्रोजेक्टाइल यहां से चल के इंक्लाइन प्लेन पे जाके गिरेगा। तो क्वेश्चन है रेंज निकालो, क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। मैंने स्टूडेंट से पूछा कैसे करेंगे, वो कहता बड़ा आसान, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin θ/g। वो कहता है जी एंगल चेंज हो गया। मैंने कहा क्या? देखो कहता है एंगल हो गया थीटा माइनस बीटा। तो थीटा माइनस बीटा तो रिप्लेस कर देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u sin θ/g को, थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा माइनस बीटा। सही? गलत, नहीं आएगा आंसर। ठीक, नहीं करना। तो ऐसा क्यों नहीं करना, क्यों नहीं चला ऐसा? भाई एंगल तो चेंज हुआ, क्योंकि एक्सेलेरेशन की प्रॉब्लम है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट्स बनाएगी जी, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। तो इस वजह से आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस शीट के ऊपर आप लिखेंगे नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इनके प्रूफ ऑप्शनल है, कोई सीखना चाहे प्रूफ दे दिया, हम नहीं करने वाले इसे, इसके सिर्फ फॉर्मूलाज करेंगे। तो आप एक काम करें, इसके फॉर्मूलाज फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें कि अगर आज के बाद इंक्लाइन प्लेन के साथ अगर एंगल ये बीटा या थीटा, ये थीटा माइनस बीटा है, तो सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट के, वो ये वैल्यू आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin θ - β / g cos θ। ये पहला फॉर्मूला नोट करें। किसी को इसका प्रूफ देखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर क्रॉसिंग की तरह मैंने कहा था मैं अपलोड करूंगा, वैसे मैं कर नहीं पाया, लेकिन काफी लोगों ने मेरे से वीडियो मांगा रिवर क्रॉसिंग का, तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको सेंड किया है। बट जो सुनना चाहते उसे मांग लिया, नहीं रुका गया उसे मांग लिया, नहीं तो कल तो अपलोड हो ही जाएगा। किसी को इमरजेंसी चाहिए तो मेरे से ले लेना व्हाट्सएप पे। ऐसे इसके प्रूफ भी मैं ऑप्शनल करके लगा दूंगा, सीखने हो आप सीख लेना, कोई नुकसान नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कोई पूछेगा नहीं। हाँ, हाई एंड क्वेश्चन जो एडवांस के होंगे, हाँ उनके अंदर ये प्रूफ कहीं ना कहीं मैटर कर सकते हैं। तो सीख लोगे एडवांस के लिए ठीक है, मेंस नीट में सिर्फ फॉर्मूला से काम चलेगा, एनसीईआरटी स्कूल लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर आता है इंक्लाइन प्लेन, पर आ जाए तो फॉर्मूला बेस्ड आता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज, टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसमें रेंज का फॉर्मूला ये नोट करें, ये रेंज का फॉर्मूला है, इसमें बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला है, कब? जब इंक्लाइन प्लेन पे नीचे से एक बॉल को गिरा और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाके गिरती है। तो प्लीज इसे नोट करें तीनों फॉर्मूलास। अगर सीधा मार्क करने को आ जाए कम से कम फॉर्मूला तो लगा लें, या अगर न्यूमेरिकल आए कम से कम फॉर्मूला तो पता हो कि कैसे करना है। ठीक, excuse me sir,
ठीक है यहाँ तक, तो ये प्लीज नोट करें। और अगर पेपर में ऐसा आ जाए प्रोजेक्टाइल, ये डायग्राम बनाएं, ये इंक्लाइन प्लेन है, इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंक रहे हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो अगर ये इंक्लाइन का एंगल बीटा तो ये भी बीटा, तो कुल मिला के टोटल एंगल थीटा प्लस बीटा। तो इसमें अगर कोई पूछे टाइम ऑफ लाइट तो ये फॉर्मूला, इसमें रेंज पूछेगा तो ये फॉर्मूला, और मैक्सिमम रेंज पूछेगा तो ये फॉर्मूला, नोट कर लें प्लीज़।